अक्सर विवादों में रहने वाले आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वो बुलडोजर को लेकर सुर्खियों में हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद शिवाजी कॉलोनी थाना में बुलडोजर पर सवार होकर थाने में पेश हुए। दरअसल पहरावर गाँव में गोड ब्राह्मण संस्था को दी गई जमीन के विवाद के चलते नवीन जयहिंद को नोटिस भेजा गया था। बता दें कि 23 अप्रैल को जमीन पर लगे नगर निगम के बोर्ड को नवीन जयहिंद ने तोड़ा था। इस संबंध में नगर निगम ने अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर कार्रवाई की थी। आपको दें कि गोड ब्राह्मण शिक्षण संस्था के लिए पहरावर गांव द्वारा दान में दी गई 16 एकड़ जमीन पर 23 अप्रैल को आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद बुलडोजर लेकर पहुंचे थे और नगर निगम के बोर्ड को तोड़कर इस जमीन पर ब्राह्मण समाज के कब्जे का ऐलान कर दिया, जिसके बाद नगर निगम द्वारा अज्ञात लोगों के खिलाफ उनकी जमीन पर कब्जा करने के लिए मामले में FIR दर्ज कराई गई थी। मामले को लेकर जयहिंद ने कहा कि सबसे पहले तो सरकार अन्य लोगों को प्रताड़ित करना बंद करे। मैंने खुद वह बोर्ड गिराया था और सारी कार्रवाई मैंने खुद की थी, इसलिए FIR केवल मेरे अकेले नाम पर होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसी FIR और नोटिस से वे डरने वाले नहीं हैं और सरकार 22 मई को पहरावर गांव की इस जमीन पर जो परशुराम जयंती मनाई जा रही है उसको रोकना चाहती है, इसलिए इस तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ब्रॉडकास्ट 24।